सूचना माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार गंगा नदी से 100 मीटर की परिधि के अंदर राफ्ट ढोने वाले वाहन या कोई भी वाहन ले जाना सख्त मना है। आदेश का उल्लंघन करना कानूनी रूप से दंडनीय है। नोटिस एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल ऑर्डर, नीदर एनी राफ्ट कैरिंग व्हीकल नॉर द अदर व्हीकल अलाउ बियॉन्ड 100 मीटर्स फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर गंगा। वॉयलेशन ऑफ ऑर्डर विल बी लीगली पनिशेबल। और हम बहुत बड़ी संख्या में वाहन देख रहे हैं जो जा रहे हैं। ये देखिए पूरा तांता लगा हुआ है। नियमों का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है आप सब देखिए। वाहन कहां कहां तक जा रहे हैं, पुलिस वाला भी बैठा है लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं पूछताछ नहीं। ये फूलचट्टी स्नान घाट है, ये सामने फूलचट्टी आश्रम है। कितनी बड़ी संख्या में वाहन 100 क्या 10-20 मीटर की गंगा के पास यहां खड़े हैं। अब कब इस पर कार्रवाई होगी। फूलचट्टी रिवर राफ्टिंग कैंप, कितनी बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग के लिए यहां लोग आए हुए हैं। इसी में एक व्यक्ति अच्छा काम करता हुआ, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बॉटल्स फेंकी हुई हैं। और ये सब बोतलों को इकट्ठा करता हुआ, भला हो इस व्यक्ति का। ये किसी ना किसी रूप में पर्यावरण को बचा रहा है। आपका कितनी देर में भर जाता होगा ये? तो रोज उठाने आते हैं। बताओ कितनी बड़ी संख्या में लोग फेंक के जाते हैं यहाँ गंगा के किनारे। ये पॉलिथीन भी थोड़ी उठा लिया करो साथ में। ये तो जलाने पड़ते हैं ना? नहीं जलाओ मत, म्यूनिसिपल वो ले जाएंगे, उसमें कूड़ेदान में डाल दो कहीं भी। ये भले लोग जो फेंक के जाते हैं उनसे पूछे।
धन्यवाद। उधर भी है, भला इस व्यक्ति का एक बार सोचें हम ये क्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट के बैन के बावजूद कितनी बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग गंगा में हो रही है, कौन देखेगा इसे, कब सुध लेगी सरकार। ट्रिब्यूनल, नमामि गंगे, हजारों संगठन गंगा को बचाने के लिए लगे हुए हैं। क्या सब आंखें मूंदे हुए हैं क्या? बहुत ही दुखद है, घाटों का बुरा हाल।
निर्मल रतनलाल वैद फूल चट्टी घाट से नमामि गंगे का घाट फूल चट्टी आश्रम के पास इतनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग किस भाव से ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करने आते हैं और कैसे हम माँ गंगा को बचाएंगे। सभी चिंतन कीजिए और मुझे लिखिए। हे माँ गंगा, तुम्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा। जय गंगे, जय हिमालय, सबको मेरा नमन है।